फिटनेस बॉडी बिल्डर रजत दलाल को अब अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उनके ऊपर इल्जाम लगा है अबडक्टिंग, टॉर्चरिंग और असॉल्ट करने का, वो भी एक स्टूडेंट के ऊपर, वो भी सोशल मीडिया पर दिखाते हुए। रिपोर्ट्स आई हैं कि रजत दलाल ने हाल ही के अंदर काफी ज्यादा मिसट्रीट किया है इनह्यूमनली एक स्टूडेंट को, और उसके बाद उसके चेहरे पर काउ डंक भी लगाया और टॉयलेट साफ करने के लिए फोर्स भी किया। रजत दलाल ने उसके बाद उस इंसान के ऊपर सुसु भी कर दिया। इतनी बड़ी बात, रजत दलाल काफ़ी ज़्यादा अपना आपा खो बैठे थे। दरअसल आपको बता दें कि इस लड़के ने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाते के साथ ही ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई। वीडियो के अंदर यही कहा था कि सुबह सुबह आकर इस इंसान का चेहरा देखना पड़ता है जिम में। तो उसके बाद रजत दलाल ने उसको अबडक्ट किया, उसके बाद उसके साथ काफ़ी ज़्यादा क्रुएलिटी की। अब रजत दलाल को अरेस्ट कर लिया गया है और रजत दलाल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। रजत दलाल ने उस लड़के को अबडक्ट करने के बाद उससे इंस्टाग्राम पर काफ़ी कुछ बुलवाया, ये बात भी बुलवाई कि रजत दलाल मेरे पापा हैं, और भी काफ़ी उल्टी सीधी गालियाँ बुलवाई हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में आगे क्या होता है। क्या रजत दलाल इस मामले में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं? देखना दिलचस्प रहेगा कि रजत दलाल आखिरकार इस मामले में किस तरीके से अपनी बयान को सामने रखते हैं। कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपका क्या कहना है। सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।